बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। आपने चिप्स तो कई तरह के खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, डिफरेंट और यूनिक स्टाइल के पोटैटो रोल चिप्स की रेसिपी लेकर आई हूं। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे और बड़े सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार पोटैटो रोल चिप्स बनाने के लिए हमने एक बड़े साइज का आलू लिया, उसके छिलके उतार के स्लाइसर से ब्रीक इसके स्लाइसेस करने हैं। आलू के जितने ब्रीक स्लाइसेस होंगे उतने ही अच्छी रोल होगी। अब तमाम स्लाइसेस को पानी में डिप कर दें ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। एक से दो मिनट इसको हलाने के बाद अब इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर फैला दें। एक एक स्लाइस करके फैला दीजिए और इसको टिश्यू या किचन टॉवल की मदद से दोनों साइड से अच्छे तरीके से खुशक कर लें। आलू के स्लाइसेस में पानी बिल्कुल भी ना रहे। अब तमाम स्लाइसेस के ऊपर हल्का हल्का कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करें। अच्छे तरीके से सारा स्प्रिंकल करने के बाद ये देखिए, एक स्लाइस को रोल करती जा रही हूँ और रोल करने के बाद अब इसको मैंने टूथपिक से कवर कर दिया है। ये आराम से टूथपिक इसके अंदर चली गई है और ये रोल बन गया है। इसी तरह ही ये तमाम स्लाइसिस को रोल करते जा रही हूँ और इसको टूथपिक से कवर करते जा रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त रोल बनते जा रहे हैं। ये देखिए आप, जितनी देर तक मैं सारे स्लाइसिस को रोल करती हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए, सारे स्लाइसेस रोल कर दिए हैं और इसे टूथपिक से कवर कर दिया है। ये रोल्स बन गए हैं। अब एक बॉल में अलहदा कॉर्नफ्लोर डाल के रखें और सारे रोल्स को कॉर्नफ्लोर में डस्ट करते जाएं और अच्छी तरह झाड़ कर अलहदा निकाल निकाल कर रखते जाएं। सारे पोटैटोस पर कॉर्नफ्लोर की अच्छे तरीके से कोटिंग हो गई है। दूसरी तरफ ऑयल को गर्म करने के लिए रख दें। अब तमाम रोल्स को ऑयल के अंदर डालें और दोनों तरफ से खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक फ्राई करें। इन रोल्स को आपने चम्मच से हिलाते रहना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो एक तरफ से गोल्डन और दूसरी तरफ से वो लाइट गोल्डन होंगे, एक जैसा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आएगा। ये देखिए, फ्राई हो गए हैं। अभी हम इन्हें डिश आउट करते हैं। क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो रोल चिप्स तैयार है। अब इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें, साथ ही इसके ऊपर ड्राई मिंट पाउडर स्प्रिंकल करें। इससे इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आती है और जायका भी बहुत जबरदस्त इसका हो जाएगा। आप भी ये मजेदार क्रिस्पी पोटैटो रोल चिप्स बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।